कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की और कहा कि प्रदेश के किसानों को बिजली को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। 132 सब स्टेशन हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों की बिजली से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जामली में बन रहे विद्युत सब स्टेशन से वीडियो जारी किया। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह से मैंने इस सब स्टेशन को स्वीकृत करवाया था। अगले 2 माह में सब स्टेशन से क्षेत्र के कम 15 से 25 गांव के किसानों को सुचारू रूप से खेतों में बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में बहुत काम किया है। मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी सरकार को जिताया जिसने उनके हित में ऐतिहासिक कदम उठाए। ये आप देख रहे हैं, ये सब स्टेशन मैंने स्वीकृत कराया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। और ये जामली गाँव है, एक सब स्टेशन सोनतलई में था जो 30-40 गांवों को कवर करता था, जिससे बिजली की बड़ी समस्या रहती थी। किसान आपस में बहुत परेशान रहते थे, रात रात खेतों में रहते थे। जामली के गांव के इस किसान के लिए मैंने मांग की थी, मैंने घोषणा की थी और इसका अभी 2 महीने पहले ही भूमि पूजन किया है और ये बन के तैयार होगा। 1-2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए 15-20 गाँव के किसानों की और 40-50 गाँव के सोनतलई और जामली और ये पूरे एरिया कचबेड़ी करणपुरा लोटिया अनिबाबाद आपका पांचा तलाई गोमरी गोरंगपुरा बावर झांगी और ये पूरे आसपास के एरिया इससे कवर होगा और बिजली अब पर्याप्त मिलेगी 24 घंटे। किसान को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गाँव गरीब और किसान की पार्टी और किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने बहुत काम किया है। अभी 132 का भी सब स्टेशन हम खरेलमा में बना रहे हैं ताकि उल्टा समस्या की भी निराकरण हो जाएगा। ये सब स्टेशन जो 5 MVA का 2 करोड़ से अधिक लागत का है और 1 महीने में बनकर तैयार करा देंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।